दोस्तों आज हम बनाएंगे हलवाई जैसा घेवर। ये हमने काऊ का घी लिया है और ये हमने दो से तीन चम्मच हम मिक्सी के जार में डालेंगे और एक बर्फ़ का टुकड़ा डालेंगे। इसको हम पेस्ट बना लेंगे। ये हमारा पेस्ट बन गया है। अब हम इसमें 3 चम्मच मैदा डालेंगे, मीडियम छोटी वाली, और थोड़ा सा दूध डालेंगे 100 ग्राम के करीब। इसको हम घोल बना लेंगे। ये हमने घोल बना लिया, इसको ठंडा रखना है। और एक बोतल लेंगे पेप्सी की, उसमें हम भर लेंगे और ढक्कन में सुराख कर लेंगे। ये हमने घी चढ़ा दिया एक छोटे फ्राई पैन में। अब हम बोतल की सहायता से इस तरीके से इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे, झाग खत्म हो जाए जब दोबारा छोड़ना है। ये हमारा घेवर बन गया है। अब हम इसको जाली पे पिचड़ने के लिए रख देंगे। ये हमने चीनी चाशनी के लिए ली है 100 से 150 ग्राम चीनी। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और चाशनी बना लेंगे। ये हमारी चाशनी बन गई है। अब दोस्तों हमने जो है ना थोड़ा लिया है 150 ग्राम करीब खोया, इसको थोड़ा दूध डाल के पेस्ट बना लेंगे। और दोस्तों ये हमने थोड़ा 1-2 चम्मच के करीब इसमें चीनी मिला लिया है। ये हमने चाशनी अपने घेरे के ऊपर डाल दी है। सभी घेरों को ऊपर नीचे रख के इस तरीके से डाल लें। और दोस्तों हमारे सभी घेवर चाशनी को लगाकर श्योरी तैयार हो गए हैं। अब हमने काजू और बादाम लिए हैं, मेरे पास पिस्ता नहीं था घर पे, इसको सजाने के लिए बीच में से काट लेंगे। ये हमारी रबड़ी बन गई है। हम रबड़ी को इस तरीके से इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे सभी चक्रों पे, और ये बादाम और काजू से सजाएंगे। हमारा घेवर बन करके तैयार है, स्वादिष्ट, अच्छा, एकदम जाना हलवाई जैसा। दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार दोस्तों।